भाई आएगा तो मोदी, ये याद रखियो। कौन सा मलिका? मलिका हाँ। और वो कौन है शेरावत? हाँ में डाल लिया। तो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और आप सबका स्वागत है मेरे डेली व्लॉग एपिसोड 1 में। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना डेली व्लॉग, जिसमें हम रोज की एक्टिविटीज, मस्ती, डाइट, जिम, जो भी हरकतें हम दिन भर में करते हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। और मैं अकेला नहीं होऊंगा, ये कभी कभी मेरा फ्रेंड भी आएगा। आए आइए, देखते हैं, मजा आएगा। इसका नाम है हुसैन और मेरा नाम है विजय सिंह। हम दोनों मिलके व्लॉग में आया करेंगे, मस्ती करेंगे। ये जिम नहीं करता है लेकिन मैं इसको कभी कभी जिम भी ले जाया करूंगा। अभी थोड़ा पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल लगा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देखो बूंदे दिख रही होंगी आपको बारिश की। ये हमारे पीछे है, इसमें है बिल्लियां। एक्चुअली हमारे घर पे बहुत सारी बिल्लियां हैं, 12-13 बिल्लियां हैं। तो दो बिल्लियां हम किसी को दे रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं बोलूंगा, लौट है सरप्राइज के माँ बहन कर देगा, तू चोद देगा सरप्राइज को। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फंस गया तू बेटा, एक होने के बावजूद भी दूसरे के इश्क की बात कर रहा है तू। गया बेटा गया, तू तो गया आन में डाल लिया तेरी बातें मेरे इस पे। मुझे नहीं पता भाई इसका कुछ। ये कौन सा मलिका? मलिका हाँ। और वो कौन है शेरावत? माशाल्लाह सैफ। कितने ले रहा है? 2 kg। मेट्रो बन रही है यहाँ पे दिल्ली में, पूरे में मेट्रो होगी। यहाँ तो अभी शुरू हो रही है भाई। एक मेट्रो आज से 2 साल पहले आया था जब, तो मेट्रो बनी थी उधर। अभी यहाँ पे मेट्रो का मस्त काम चालू है, डेवलपमेंट तो बहुत तगड़ा चल रहा है। ट्रैफिक बहुत रहता है, पहले ये जो ट्रैफिक थोड़ा सा रहता था, अभी तो यहाँ से वहाँ तक का ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। हो गया भाई, हो गया। आओ फिर आओ। 2 किलो मल्लिका अर्जुन, 3 किलो क्या था कांग्रेस का प्रेसिडेंट है मल्लिका अर्जुन। कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। हमें क्या पता, हम तो आम लेके आए भाई, मल्लिका आम। भाई आएगा तो मोदी, ये याद रखियो। कैमरे के सामने भी बोल नहीं सकता वरना भाई बहुत पता नहीं क्या क्या बोलता है मोदी के अगेंस्ट। मैं तो क्या कुकी, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। ये भी तो शांति से बैठे हैं, खेल रहे हैं यार। ए न्यूबी, हाउ आर यू? व्हाट, तेरे साथ खेले दूसरों के साथ नहीं खेल सकते क्या? कब Give me a hand. Thank you. Boy. अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। सामान रेडी है, जिम जाना है और वर्कआउट करके शाम को 7 बजे के बाद मुझे फ्री होना है। मुझे अपना 2 और वर्क डन करने हैं। अभी मौसम बहुत बढ़िया है बाहर का, हवा भी अच्छी चल रही है। ये है बाहर, देखो स्विमिंग पूल है 2-2, बट सिर्फ अभी वो वाला रन कर रहा है। जब ये वाला रेडी हो जाएगा तो हम इसमें भी छलांग मारेंगे। आज फॉलो करेंगे पुश पुल स्प्लिट वर्कआउट, और जिसमें आज हमारा है पुश डे, तो इसमें हम शोल्डर, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स इन्वॉल्व करेंगे और इनको बहुत अच्छे से हिट करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी टाइम अंडर टेंशन परफॉर्म करेंगे, नो रश, और हर एक सिंगल रैप को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। हम शुरू करेंगे पहले चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट, तो उसके 3 सेट लेंगे। तो उसके बाद एक और कोई चेस्ट वेरिएशन लेंगे, ठीक है। देन फिर शोल्डर की 2 वेरिएशन मैक्सिमम, और फिर लास्ट एक ट्राइसेप्स वेरिएशन। तो टोटल 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर कोशिश करेंगे छोटा सा एब्स वर्कआउट और डन। इतना सिंपल रखेंगे बट इंटेंसिटी हाई रखेंगे। पूरे सेट का हमारा टाइम काम रहेगा कि टाइम अंडर टेंशन परफॉर्म करना है। सेकेंड का ड्यूरेशन होती है पर रैप्स में, स्लो कंट्रोल करना है।
सिर्फ अभी एक वेरिएशन बट सर, उसके लिए हमने इंक्लाइन चेस्ट मशीन पे, उसके बाद ही देखो आप शोल्डर देख रहे हो मेरे और चेस्ट देखो पंप हो गया तगड़ी, शोल्डर अपने आप ही हो गए। अभी क्या एक अपर चेस्ट और एक बैक डेक फ्लाई ही परफॉर्म करिए, और अब देखो भैंस क्या शोल्डर का अपने आप ही कम पा रहे हैं। एक सेट और लेते हैं डंबल प्रेस का, इधर हैवी लेते लास्ट और चेस्ट यहाँ पे ख़त्म होगी। अभी करेंगे शोल्डर प्रेस एक मशीन, वेट लगाया 30 kg, इससे भी हमारा रेपिटेशन वही रहेगा 6 to 8, और कोशिश रहेगी कि 4 सेकंड के पर रैप्स में टाइमिंग होनी चाहिए, 4 सेकंड पर रैप्स तो स्लो और अंडर कंट्रोल होगा तो उससे इफेक्ट जल्दी आएगा। तो चलो तो शुरू करते हैं। एक वेट और बढ़ाते हैं, 6 रिपीटेशन ही करने हैं, इतना खींचेंगे ताकि थोड़ा और लोड आए। एक रैप्स का मतलब 3 पार्शियल ऐड किए।
जो मैंने अभी परफॉर्म किया ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेरे को ट्रैप मेरा 1% भी इन्वॉल्व नहीं होता है, सारा फोकस मेरा होता है मेरे कैल्स पे। देखो क्या पंप आया है, फुल पंप आया है बाइक। रीज़न ये है कि इसमें मेरा एल्बो भी बहुत ही रेयरली इन्वॉल्व होता है, वेट सारा जाता है शोल्डर से। तो जब ऐसा जाएगा ना ऐसा, तो एल्बो का इन्वॉल्व, अगर एल्बो से मोड़ लेते ना सपोर्ट आएगा थोड़ा, मैं इसको सीधा रखता हूँ तो जाएगा नीचे स्ट्रेच शोल्डर पे। सारे वेरिएशन वगैरह डन, अभी ट्राइसेप सेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एब्स करके पोजिंग करेंगे। पहले इतना हैवी था कि फेलियर वेट की वजह से हो रहा था, फिर मैं वेट रिड्यूस करके अगेन 6 reps कंप्लीट हुए, तो एक सेट अभी कंप्लीट हुआ है बट पंप तगड़ा है।
4 होल एग्स, थोड़ा सा राइस डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं होगा, 10-20 ग्राम राइस थोड़ा सा, उसमें मैंने थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया ताकि वो थोड़ा ठंडा ठंडा रहे, जिम से आके मैं नहीं जाता थोड़ी हीट। तो अभी ये होगा ऑलमोस्ट 24-25 ग्राम प्रोटीन, इसको ख़त्म करते हैं, फिर वॉक करते हैं, आज की वॉक बहुत बाकी है तो कार्डियो डन करते हैं, और उसके बाद रात में एक और मील लेनी है सोने से पहले, और चलिए तो फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं।